और सबसे मज़ेदार चीज़ कटरा में आप आओ, कटरा में आप आओ तो मॉर्निंग टाइम में आप ब्रेड टोस्ट खाना ना भूलिएगा। ब्रेड टोस्ट आपने खाना है तो पूरा बटर के साथ खाना है। आप स्पेशली बोल सकते हो भाई साहब को कि ब्रेड टोस्ट खाना है, पूरे बटर के साथ खाना है, तो वो टेस्ट ही एक अलग है। और ये जैसे चाय बना रहे हैं अभी, आइए अब चलते हैं पटेटो मेरे साथ साथ। हम पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्टेट चढ़ाई थी, स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, जिसका था मुझे इंतजार वो चीज अब आ चुकी है। स्नोफॉल अब ज्यादा शुरू हो चुकी है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट सुमित आपके साथ। मैं हूँ होटल दुर्गा के बाहर कटरा में और बहुत ही सर्दी हो रखी है और हम हो चुके हैं रेडी अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। हम जा रहे हैं पटनीटॉप, तो पटनीटॉप से हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं। वैसे हमने टैक्सी कर ली हुई है तो हम बाय टैक्सी ही पटनीटॉप जाएंगे, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं सेम रूट फॉलो करते हुए मुझे कि मैं होटल दुर्गा में ही स्टे करता हूँ, पटनीटॉप में भी एक होटल है वहीं स्टे करता हूँ, जयश्री नाम से होटल है वो। तो हमारा एक दिन का पटनीटॉप का रहता है कि हम पटनीटॉप में स्नो वगैरह देखने के लिए चले जाते हैं। सो आइए अब चलते हैं पटनीटॉप मेरे साथ साथ में। आपको बताता हूँ आज पटनीटॉप का, इसी ब्लॉग में सारी दूंगा इन्फॉर्मेशन पटनीटॉप में क्या है क्या नहीं है देखने के लिए और सही वक्त कौन सा जाने के लिए। जो आप कटरा से पटनीटॉप की तरफ आ रहे हो तो पटनीटॉप से जस्ट पहले यहाँ पे स्वीट शॉप्स हैं, प्रेम स्वीट्स करके नाम है, यहाँ पे प्रेम जी के नाम से काफ़ी सारी स्वीट शॉप्स हैं। लेकिन आपको जहाँ पर आना है वो है इस शॉप पे, आपको आना है प्रेम स्वीट्स 1925 से जो चल रही है अभी शॉप। इनकी प्योर देसी घी की शॉप है, मतलब कि काफ़ी सारी और शॉप्स हैं लेकिन जो ओरिजिनल शॉप है जो 1925 से चल रही है वो ये शॉप है। और ये यहाँ के बहू जी हैं जिनकी ये शॉप है और देसी घी के। हम यहाँ से आप पतीसा और गुलकंद, मतलब काफ़ी सारी आइटम देसी घी के, लेकिन मेरा फेवरेट पतीसा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी फेवरेट मिठाई आप यहाँ से ले सकते हो, देसी घी की अल्टीमेट टेस्ट मिलेगा आपको। ये चौंक है जो पटनीटॉप की तरफ जा रहा है। हम आ चुके हैं पटनीटॉप और ये हमारी कार। एक्चुअल में हम पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्टेट चढ़ाई थी। चढ़ाई कहाँ की वो भी बता देता हूँ। पटनीटॉप में जो मैंने एक्सपीरियंस किया था कजाकिस्तान की अलमाटी में स्काई लाइन का, यहाँ पे स्काई व्यू नाम से एक टिम्बल ट्रेल है, आज आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले ये है स्काई व्यू बाहर से बना हुआ। ये यहाँ का एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे जाते अभी। सिटिंग एरिया बना हुआ अंदर। तो जी फ्रेंड्स, हम स्काई व्यू पहुँच चुके हैं। टिकट लेने से पहले जो यहाँ के मीन्स जो ऑथोराइज हैं, जो वर्किंग है यहाँ पे, तो उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। भैया बताइए कुछ। सो आप इस समय खड़े हैं इंडिया की हाईएस्ट गंडोले में, इससे बड़ा गंडोला कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग कि इसकी टोटल लेंथ 5.6 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी। वन साइड इज़ 2.8 एंड अनदर साइड वुड बी 2.8, टुगेदर 5.6 किलोमीटर। एंड ये हमारा अपर टर्मिनल जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। बाकी जो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा वहाँ पर लोअर बेस कैंप है, जहाँ पर काफ़ी कुछ है, एडवेंचरस, जिप लाइन, ट्यूबिंग, मैजिक आर्पिड, MTB bicycling plus hiking as well, and we have restaurants as well over there like Banana Leaf plus cafe as well. हमारा एक upcoming restaurant आ रहा है जो कि अभी under construction है, very soon वो भी आ जाएगा। So यही चीज़ें हमारे पास हैं। तो अब हम finally अब टिकट वगैरह लेके अंदर का दिखाता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि ये कैसी राइड रहती है हमारे लिए। सो मिलते हैं अंदर टिकट लेने के बाद। तो जी हाँ, मैं हूँ अभी अंदर फ्रेंड्स के साथ और अब हम वेट कर रहे हैं अपने गंडोला की जो आएगा। सी एक कुछ क्रेजी हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके। हाँ जी भाई, बहुत जो है ना डेफिनेट बहुत मज़ा आ रहा है और एक बार यहाँ पटनीटॉप स्काई व्यू में जरूर जाना। सीरियसली गाइस, ये हमने चीज़
जो मैंने जैसे आपको पहला बताया कि ये हमने कजाकिस्तान में ऑलरेडी देखी थी, बट यहाँ पे इंडियन में ऐसी चीज़ सीरियसली ये सरप्राइज मोमेंट है हमारे लिए, लेकिन बहुत अच्छी एक की जर्नी होने वाली है हमारी आज गंडोला में। सो अंदर जाके बैठ के बनाता हूँ। लो जी दोस्तों, आज होने जा रहा है एक नया एक्सपीरियंस। ऐसा मुझे पिछली बार भी किया था, लेकिन तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। सो भी यूट्यूब पे मैं ये डालूंगा अपना ब्लॉग, प्लीज़ देखिए, ऐसे अच्छा लगे तो आप जरूर आइए यहाँ पे। वैसे आना बनता है, जैसे कि वो भाई साहब ने बताया कि इंडिया का हाईएस्ट जैसे नीचे स्नो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो व्यू पूरा। अब कितनी हाइट से हम जाएंगे ये तो आज देखने वाला होगा। सामने जो पहाड़ों पे देख रहे हो वो है नत्था टॉप, वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। लकीली कुछ आज अच्छा देखने को मिलेगा, स्नोफॉल की भी आज हमें उम्मीद है पूरी आज। तो गाइस 824 रुपए की इन्होंने अप डाउन दे रहे हैं ये फेयर अभी, तो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार हमने 1100 में लिया था, लेकिन ये था कि दो जनों के साथ एक टिकट फ्री थी पहले, लेकिन अभी 824 में अप डाउन है, कोई फ्री फ्रू नहीं है। लेकिन तो 824 रुपए के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये वर्थ है पूरी पैसों की आपके। आपको मतलब कि नीचे जाके जो दिखाऊंगा बहुत सही चीज बनी हुई है। अगर आप लोग अलमाटी वेरन अभी नहीं जा सकते हो, कजाकिस्तान नहीं जा सकते हो, तो आप पटनी टॉप आइए और इस चीज को एंजॉय कीजिए आप। और ये मेरे तजिंदर भाई साहब ये पूरी तरह से डर रहे हैं अभी, क्योंकि इनको हाइट से बहुत डर लगता है। गाड़ी भी जैसे एकदम से निकली, इनका खाई की तरफ ध्यान गया और भाई साहब डर गए एकदम से। तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं लेनी, हम सभी आपके साथ इस यात्रा में। मुकेश जी हैं, राकेश जी हैं, ये देखिए ये खाली डोला जा रहा है, खाली डोला है। अब नीचे जाके देखते हैं अभी। सो आगे हम नीचे, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। योर गाइड टू फन टाइम्स, इसको पॉज करके वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या 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 कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। वैसे वो भाई साहब ने बता दिया था। अभी तो टूरिस्ट नहीं है, बट पिछली बार टूरिस्ट था तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि नूडल्स बर्गर मतलब जंक फूड के थे, कुछ गोलगप्पे वगैरह जैसी भी आइटम थी, पानी पूरी जैसी आइटम्स थी यहाँ पे। जो बनाना लीफ रेस्टोरेंट, अंदर से जाके देखते हैं इसका क्या मेन्यू है, कैसे है। ये रेस्टोरेंट है। गुड आफ्टरनून, काफ़ी अच्छा रेनोवेट कर रखा है उन्होंने। जो पिछली बार आए थे तो ये बन रहा था। अब जैसे कि आप देख सकते हो इंटीरियर तो अच्छा था बनाना लीफ का, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, कुछ ना कुछ और बन रहा है अभी। यहाँ पे भी डाइनिंग की कुछ डाइनिंग वगैरह का बन रहा है, कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह बन रहा होगा, जिप लाइनिंग वगैरह के लिए ऊपर बना हुआ है। और नीचे एक कैफ़े है और ये पार्किंग के लिए जा रहा है इनका, नीचे से भी लोग कुछ आते हैं पार्किंग के लिए, तो पार्किंग लगा के हम नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं।
बोथ साइड टिकट्स अवेलेबल हैं। और मैं एक बात बतानी भूल गया कि हम एक्चुअल में हम गए नहीं हैं अभी होटल हमने जाना है बाद में, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम था, तो हमें था कि एक दिन में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकें उतना घूम लें हम। तो एक दिन के चक्कर में फिर हम सीधा होटल में चेक इन करने के बजाय अभी हम लोग सीधा इधर आ गए स्काई व्यू देखने के लिए। और एक नत्था टॉप नाम की जगह है जो कि मैं पिछले काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, लेकिन जैन में आता था तो जनवरी में क्या कि वो रास्ते बंद होते थे, लेकिन आज काफ़ी जनों से हमने पूछा तो बोल रहे हैं कि रास्ते खुले हुए हैं। सो होप सो अब मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है और आप लोगों के साथ एक बार नत्था टॉप भी घूमा जाएगा, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर लूँगा और आप भी मेरे साथ कीजिएगा। और ये है यहाँ पे कॉफ़ी कैफे डे बना हुआ है, कैफ़े एक बना हुआ स्काई व्यू कैफ़े बना हुआ है। यहाँ पे टी कॉफ़ी वगैरह आपको इजीली, सैंडविच वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। और एटमॉस्फेयर ठीक है यहाँ का, कोई फूड वगैरह भी मिलेगा, फ्रूट वगैरह के आइटम भी है, जंक फूड भी है कुछ ना कुछ, पॉपकॉर्न्स भी हैं और कॉफ़ी वगैरह की फैसिलिटी जैसे मैंने आपको बोला। सो ये मल्टी सिटिंग के लिए, टाइम पास के लिए, फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी एक लोकेशन बनाई गई है पटनी टॉप में। अदरवाइज़ पटनी टॉप में कुछ भी नहीं था, पटनी टॉप में सिर्फ लोग व्यू और सीनरी देखने आते थे और स्नो वगैरह देखने के लिए आते थे, और जून मंथ वगैरह में तो स्नो भी नहीं मिलती थी, बट लोग सीनरी वगैरह देखने के लिए मोस्टली पटनी टॉप में आते थे। बट ये अब भी एक काफ़ी अच्छा एक पिकनिक स्पॉट सा बन चुका है यहाँ पे। फन स्टार्ट होने जा रहा है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और करिए मेरे साथ एंजॉय और देखिए आगे क्या है। हम अब स्काई व्यू से निकल पड़े नत्था टॉप की ओर, और 7-8 किलोमीटर की राइड है यहाँ से मेन सेंटर से। सो आज फाइनली नत्था टॉप देख पाएंगे, मैं भी आज आप लोगों के साथ नत्था टॉप देख पाऊँगा। अब गाड़ी में बैठे हैं, भाई साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लगाए हुए हैं। मेरे हम सफर जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम अब आ चुके हैं नत्था टॉप फाइनली। जितना बेसब्री से इंतज़ार था वैसा कुछ नहीं है अभी। ये हमने लिए हैं कॉस्ट्यूम्स भी यहाँ से मिलते हैं। वो भाई बोल रहा था कि अकेले शूज़ नहीं देंगे आपको, आपको पूरा सेट लेना होगा, चाहे आप कोर्ट को ऊपर जाके उतार के अपने कपड़ों में आप चाहे पिक्स वगैरह ले सकते हो। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी, जो मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था। सी द व्यू, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है और स्नो पॉइंट है यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ से वो नीचे उतर के, और मैं बात करूँ वो नीचे की तरफ लोग जा रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं नीचे, तो ये सब है यहाँ पे। क्योंकि रोहतांग में है लेकिन रोहतांग में बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, सिंपल आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो नीचे जाकर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और खाने पीने के लिए मैगी के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं जैसे सामने आप देख रहे हो, देखते हैं थोड़ी देर तक अगर मैगी मुगी खाने का मन है, लेकिन बनाना लीफ से हम खा के निकले थे।
तो बेसिकली ये है, अब कैमरा मेरे को नीचे लेके जाने में थोड़ा सा अलग सा लग रहा है कि हाँ गिरना चाहेगा कुछ, तो देखते हैं, लेट्स सी, नीचे जाकर देखते हैं अभी कुछ अलग सा। और अभी जो मौसम यहाँ पे बन चुका है, पता नहीं स्नोफॉल हुई है नहीं हुई, लेकिन हमें फील हुई थी थोड़ी देर के लिए, वाह बहुत ज्यादा हवा चल रही है, फोग ही फोग हो रखी है, मस्त व्यू है। अब देखो एक मिनट, क्या मस्त व्यू हो चुका है अभी, पूरी सर्दी और 4 किलोमीटर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें धूप दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था। अभी मैगी ऑर्डर की है फाइनली हमने, सी आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जो गाड़ी गुड़ियां इतनी खड़ी है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी फोग हो चुकी है अभी। जो सबसे अच्छी मेरे को यहाँ पे बात लगी है वो ये है कि यहाँ पे ऐसे व्यूज हैं जो कि आपको रोहतांग में नहीं मिल सकते, कि पेड़ ही पेड़ हैं, बीच में स्नो है, आपको एक व्यू मिल रहा है बहुत अच्छा, कि आप फोटोज मतलब कि फोटोज वगैरह आप जैसे मर्जी ले सकते हो यहाँ पे बीच बीच में से जाके, वाह। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा अब ओवरऑल कि नत्था टॉप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं वीडियो बंद करने जा रहा था पहले, लेकिन मुझे फिर से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ रही है अपने ब्लॉग पे, कि देखिए स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, जिसका था मुझे इंतज़ार वो चीज़ अब आ चुकी है, स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। आपको शायद प्रॉपरली भी ना दिख रही हो, कैमरा मैं गाड़ी में छोड़ चुका हूँ यार, स्नोफॉल अब ज़्यादा शुरू हो चुकी है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम वापसी कर लें अब, क्योंकि वो नीचे से ड्राइवर के संकेत आए थे कि अब नीचे आ जाओ भाई, रास्ते जाम ना हो जाए बाद में। लेकिन सीरियसली अब तो देख रहे हो वीडियो में पूरी स्नोफॉल, अमेजिंग अमेजिंग गाइस, ये एक्सपीरियंस याद रहेगा। 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ नत्था टॉप आने की, लेकिन इस बार आए और स्नोफॉल हुई है, इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ए चल हो, सो हमारे जो फ्रेंड है वो नीचे वेट कर रहे हैं, हमारी मतलब कि एक फ्रेंड नीचे वेट कर रहा है। हो सो नत्था टॉप का सेशन यहीं समाप्त, लेकिन मिस कर रहा हूँ नत्था टॉप का सेशन यहीं समाप्त। हाँ नत्था टॉप का सेशन यही समाप्त करते हैं, दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है बहुत। तो अब आपको फाइनली रूम दिखाता हूँ, रूम में जिसमें हमने स्टे करना है, हम सुबह से हमने चेक इन नहीं किया अभी तक, सो मिलते हैं रूम में। सो नत्था टॉप कैसा लगा भाई? भाई आज ना सच में बोल रहा हूँ एंजॉय बहुत हो रहा, और उम्मीद नहीं थी आज स्नोफॉल हो जाएगी, रब की कृपा से ना स्नोफॉल होगी, तो बाकी आज का टूर है ना सफल हो गया भाई, सीरियसली हर कोई बंदा ये बोल रहा है। और ये हमारे सीए साहब, हाँ जी कैसा नत्था टॉप टॉप, कट कर दूंगा मैं भी करके अपनी वीडियो बना लूंगा। सॉरी और हमारे सीए साहब आपको बताएंगे नत्था टॉप कैसा लगा। सीरियसली अमेजिंग एक्सपीरियंस हो गया भाई, क्योंकि जो अरकेश जी मेरे साथ जो सीए हैं वो उन्होंने मेरे साथ सेंट पीटर्सबर्ग में स्नो देखी थी, वो भी रात को 2:30 बजे तक जाकर, और आज उनको दिन में मिल गई ऐसी स्नो देखने के लिए, वो भी इंडिया में। सो अमेजिंग है भाई, गिरने जैसे रात हो रखी है। सो हम आ चुके हैं रोड पर और टूरिस्ट जा रहा है अभी, ओह सारा टूरिस्ट वापसी कर रहा है अभी। सो चलो नत्था टॉप का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, हम भी अब जल्दी से नीचे जाते हैं और मिलते हैं अपने रूम में जाकर, बाय। तो हम फाइनली अब होटल पहुंच चुके हैं, हमारा होटल है जय श्री। और मजे की बात यह है कि हम जैसे पहुंचे हैं और स्नोफॉल यहां पे भी शुरू हो चुकी है। तो अभी अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं और रूम दिखाता हूं आपको कैसा कैसा नहीं। ये रूम का आउटसाइड व्यू है, पटनीटॉप में बहुत ही रेयर होटल्स हैं जहाँ पे बार बना हुआ है। सो
हमें नीचे वाले फ्लोर पे रूम मिला है और अब आपको ये सारे रूम्स हैं इधर और मैं आपको रूम दिखा दूँ एक बार। और ये रूम है हमारा, बेड लगा हुआ है, दो सोफा दिए हुए हैं और ये हीटर वगैरह दिया हुआ है। और ये हमारा सबसे मेन पोर्शन जो है यहाँ का बालकोनी एरिया, हाँ भाई यहाँ से मस्त व्यू है एकदम से। हमेशा की तरह हमें ये रूम ऐसे ही मतलब इसी फ्लोर पर रूम मिले हैं, पिछली बार वो साथ वाला रूम था। और मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ का, बहुत अच्छा है, पॉटी करने का बहुत अच्छा। वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये शैंक दिया हुआ है, ये बाथटब, ये गीजर और ये सीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन एज ऑलवेज। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मॉर्निंग व्यू मेरे रूम से। सामने जो स्काई व्यू था वो वहाँ पर है, वहाँ से टिम्बल ट्रेस जाती है। सो गाइज, कैसी लगी आपको पटनीटॉप की ये वीडियो? यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया वही यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, सब कुछ मेन जो है वही देखने वाला है, वही करने वाला है। और यहाँ पे एक नाग टेम्पल है जो कि बिल्कुल नीचे है, जो यहाँ के लोगों का एक पर्सनल जो टेम्पल होता है, जैसे गाँव में किसी भी हर जगह पर, तो यहाँ पर एक नाग टेम्पल है, वहाँ पर मैं हर साल जाता हूँ। तो आप भी आएँ, आप ज़रूर जाएँ, वहाँ पे बड़ा पीसफुली सा बहुत प्यारा सा एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोई मार्केट्स नहीं है, कुछ ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और मेरे साथ देखते रहोगे मेरी अलग वीडियोज़ अलग अलग जगहों पर। सो इस रूम के रेंट के बारे में आपको बता दूँ कि रूम का रेंट जो ये पड़ा था मेरे को जय श्री होटल का, वो था 2000 पर रूम का हमें रेंट पड़ा। और रूम आपने देखा कि बहुत स्पेशियस थे, बहुत अच्छे रूम हैं, अंदर पानी पूनी की अच्छी फैसिलिटी है और बाकी सब बढ़िया, सर्विस भी बहुत बढ़िया इनकी और खाना भी काफ़ी टेस्टी है। एंड सब कुछ बाकी हो चुका है, अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने लोअर टी शर्ट डाल ली है, अब हम 3 बजे की हमारी वंदे भारत की ट्रेन है कटरा से, तो हम अब टैक्सी ड्राइवर को हमने बोल दिया कि हम ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं यहाँ से, तो माथा टेकते हुए हम निकलेंगे कटरा की ओर फिर सीधा घर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मोटिवेशन मिलेगा एक। थैंक यू सो मच गाइस। नाग देवता टेंपल की एंट्रेंस ये है, उस तरफ से हम आते हैं गाड़ी को पार्क करके।